गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ लंच रेडी। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी भरवा करेले की रेसिपी देना। तो वैसे तो मैं बनाती हूँ खट्टे मीठे करेले, लेकिन आप सभी के कहने पे मैं बना रही हूँ भरवा करेले। कम बनाती हूँ लेकिन हाँ, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस यहाँ पे ये जो करेले हैं इनको मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था थोड़ी देर पहले, और इसके बाद इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। और इनको मतलब हम इनके छिलके हैं ना निकाल देंगे, मतलब छील देंगे इनको। तो बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है, बस हल्के हाथों से बिल्कुल पतला पतला आपको इसका छिलका जो है वो निकालना है। और इस छिलके को हम फेंकेंगे नहीं, क्या करेंगे अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सारे जो करेले हैं वो मैंने छील दिए हैं, और मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लंच रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मैं आराम से बात करूंगी। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे जो करेले हैं उनको छील के रख दिया है, और इनको क्या करेंगे बीच में से कट लगाएंगे। तो पूरा कट नहीं लगाना है, मतलब नीचे तक लेके नहीं जाना है, बस इसको ऊपर ही ऊपर से कट लगाना है, इतना कि हम इसको खोल के और इसके जो अंदर बीज हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े करेले हैं। देखो जो भरवा करेले होते हैं ना, उनको अगर आप छोटे करेलों से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, और उनमें बीज भी बहुत कम होते हैं, तो उनके बीज खाने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन इसके बीज ना पके हुए थे तो मुझे बीज ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए बीज मैंने निकाल दिए हैं। और छिलका, हाँ छिलका इनका मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, चाहे मैं भरवा करेले बनाऊँ या फिर मैं खट्टे मीठे करेले बनाऊँ। तो यहाँ पे 8 से 10 करेले थे तो मैंने 4 ही करेले लिए हैं बनाने के लिए, भरवा करेले, और बाकी के जो रखे हैं उनको मैं खट्टा मीठा करेला बना के रख दूंगी। तो करेले की सब्ज़ी ऐसी होती है, इसको रख के आप फ्रिज में 1 से 2 दिन तक आराम से रख सकते हो बना करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने करेलों को अच्छे से कट कर दिया है, और जो अंदर का बीज वगैरह था वो पूरा मैंने इनको खाली कर दिया है। और अब क्या करेंगे, जो छिलके हैं उनमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और यहाँ जो करेले हैं उनमें भी नमक लगा के, और बस ज़्यादा देर तक के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी, तब तक बाकी के सारे काम कर लूँगी। उसके बाद नमक इसलिए लगाते हैं जिससे जो कड़वापन होता है ना करेले का, नमक लगाने से निकल जाता है। तो बस यहाँ पे आधे घंटे के लिए मैंने नमक लगा के छोड़ दिए हैं, छिलकों में भी लगाए हैं और करेलों में भी लगाए हैं। यहाँ मैंने ली है लौकी, तो एक बड़ी सी लौकी थी मेरे पास में, तो मैंने आधी लौकी, आधी से भी कम है, इसका बनाऊंगी रायता। रायता एक ही टाइम अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लौकी को लिया है। और इनको, इसको मैं अच्छे से इसका भी छिलका उतार दूंगी और इसको ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद मैं लौकी को बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए लौकी को मैंने ग्रेट कर दिया है, और पानी में डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है। बस इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। और साथ में ही यहाँ पे मैंने रखी है कढ़ाई, और उसमें डाला है ऑयल, उसमें थोड़ा सा मैं हींग डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और थोड़ी सी डालूंगी सौंफ। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो वो भी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा कूट के, मतलब उसको दरदरा जब करके। और मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, सौंफ डाल दिया मैंने, और सौंफ अच्छे से तड़क गई है, सौंफ और जीरा। उसके बाद, और यहाँ देखिए मेरी लौकी भी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो इसको मैं निकाल दूंगी गर्म पानी से, छलनी में निकाल के रख दिया है मैंने। और इसमें एक मैंने बारीक प्याज काट के डाल दी है, तो इसको भून लेंगे। तो तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने छिलके में नमक डाला था ना, तो बस उसने ना पानी छोड़ दिया है, नमक डालने से पानी छोड़ देती है सब्ज़ी। तो ये देखिए मैंने सारा पानी निकाल दिया, धोया नहीं है, बस पानी निकाल दिया है हाथों से, और इसको मैंने डाल दिया है। तो इसको भी प्याज के साथ में 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से प्याज और जो करेले के छिलके हैं वो भुन चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, वही रेगुलर मसाले डालेंगे, हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो यहाँ पे तीनों मसाले मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी आमचूर पाउडर। तो यहाँ मैंने 1 बड़ी चम्मच भर के आमचूर पाउडर डाला है खट्टा करने के लिए, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सभी को। तो मुझे थोड़े से खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं, जब हमने आमचूर डाला है तो थोड़ी सी चीनी डालना तो बनता है। अगर आपको पसंद नहीं तो स्किप कर सकती हूँ, लेकिन हल्की सी चीनी ज़रूर डालिएगा, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सारे मसाले का जो फ्लेवर है उनको बैलेंस में रखता है। और यहाँ मैंने 1 बड़ी चम्मच, मतलब समझ लीजिए, बेसन डाल दिया है। जी हाँ, बेसन ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छे से बाइंडिंग होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
तो ये देखिए बेसन मैंने डाल दिया है, और बेसन को भी हल्का सा भून लेंगे सभी के साथ में। और यहाँ मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक दो मिनट तक भूनने के बाद ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है करेलों के लिए। तो यहाँ करेलों को भी आधा घंटा हो चुका है, इसमें डालेंगे साफ़ पानी और इनको एक दो बार पानी में अच्छे से निकाल देंगे, जिससे जो कड़वापन है वो निकल जाएगा पानी से। और इनको अच्छे से जो हमने नमक लगाया था वो हाथों से रब करते हुए इनको धो लेंगे, दो बार मैंने दो बार धोया था। और उसके बाद फिर हम निकाल देंगे इनको एक प्लेट में। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल दिए हैं, और यहाँ मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया है, जिससे करेलों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे, पोंछ लेंगे, इसका पूरा पानी सुखा देंगे। और ये स्टफिंग मैंने एक कटोरी में निकाल के रख दी है, तो इसको थोड़ा थोड़ा जितना करेले में आता है उस हिसाब से भर करके, और जितना मतलब चारों करेलों के लिए अच्छे से हो जाए स्टफिंग हमारी, इस तरह से आप भर दीजिए और एक प्लेट पर रखते जाइए। तो सभी करेलों को अच्छे से फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है धागा, और धागे से हम ये जो करेले हैं इनको पैक कर देंगे। ज़्यादा मत लगाएगा, थोड़ा थोड़ा ही लगाइएगा, सब जगह लगा दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब हम इनको मतलब पकाएंगे ना, तो जो मसाला है वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो करेले थे वो थोड़े से ज़्यादा खुल गए थे। और अगर आप अच्छे से उनको बीच निकालेंगे, ज़्यादा नहीं खोलेंगे, तो आप बिना धागे के भी इनको पका सकते हो। तो मैंने यहाँ पर धागा इस पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा दिया है, और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये करेले हमारे बनके तैयार हैं। यहाँ मैंने रखी है कढ़ाई, और इसमें हल्का सा ऑयल डाला है, सैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम अपने चारों करेलों को रख देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर पे हम इन्हें चेक करते जाएंगे, उलट पलट के इनको हम अच्छे से मतलब पका लेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जो इसकी स्टफिंग है वो भी अच्छे से पक जाएगी और अच्छे से। तो यहाँ मैंने ढक के रख दिए हैं, और इनको पकने में मिनिमम 10 मिनट लगते हैं बस, और ये करेले ना बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाते हैं। तो लौकी तो बॉईल हो गई है, अब मैं बना रही हूँ रायता। तो उसके लिए मैंने दही लिया है, और दही होममेड दही है, मैंने घर में ही जमाया था। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर मैं घर में बना के रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर रायता बनता ही है, तो बस थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालूंगी काला नमक। काला नमक ज़रूर डालेगा रायते में, काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अच्छा भी होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो रायते में तो काला नमक पड़ता ही पड़ता है, मैं वाइट नमक बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो दोनों नमक को थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो। और इस ये जो हमने लौकी को बॉयल किया था, इसका सारा पानी निकाल दिया है, छलनी में रख दिया था मैंने, और इसको भी हमने डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ देखिए बीच बीच में मैं करेलों को भी चेक करती जा रही हूँ, इनको पलट देंगे एक साइड से, अच्छे से ये सिक चुके हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ रायते में तड़का, और उसके बाद रायता जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन रख दिया है, इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी। आप ना इसमें तड़का जो लगाएंगे ना, वो घी का ही लगाएगा, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें हींग डाल दी है, क्योंकि हींग तो रायते में ज़रूरी है, और जीरा डाल दिया है थोड़ा ज़्यादा सा, और ये तड़क गया है हींग जीरा। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं डालना है, और इसको मैं डाल दूँगी रायते में। तो बघार लगा के रायता बहुत टेस्टी लगता है, इसका स्वाद चेंज हो जाता है, और अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको फ्रीज में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मेरा लंच रेडी हो गया है, करेले भी पक चुके हैं, ये है लौकी का रायता, साथ में है खरबूजा, क्योंकि खाने के साथ में मीठा थोड़ा सा अच्छा लगता है, इनको बहुत पसंद है इसलिए। तो ये देखिए करेला बन गया है, अच्छे से सिक चुका है, सॉफ्ट भी हो गया है। इसका जो धागा है वो खाने से पहले हम निकाल देंगे, और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। और मैंने रोटियां भी बना के रख ली थी, यहाँ मैंने सैलेड कट किया है, टमाटर खीरा, और साथ में मैंने बनाया है एक स्पेशल सा सलाद, जो कि है अनियन का। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
और गाइस आप बिलीव नहीं मानोगे, सच में इतना टेस्टी ये बना था प्याज का जो सलाद मैंने बनाया है, अलग से रखा है। चटपटा है, खट्टा है और बहुत ही टेस्टी है। तो अच्छे से पहले मिक्स कर देती हूँ, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये मैंने कैसे बनाया है अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो बस इसको भी रख लेंगे, और इसको आप रख के स्टोर भी कर सकते हो, 2 से 4 दिन तक आराम से इसे खा सकते हो आप। तो इसको थोड़ा सा सर्व कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लंच, और आप सबको कैसा लगा, भरवा करेले की रेसिपी कैसी लगी, एक बार ट्राई ज़रूर करना, उसके बाद ही कमेंट करना। गुड इवनिंग गाइस, तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और ये बर्तन मुझे क्लीन करने हैं अभी। तो मैंने लंच करने के बाद, इतना यम्मी लंच करने के बाद बर्तन वगैरह क्लीन नहीं होते हैं। तो इवनिंग हो चुकी है, फ्रीज अपने आप बंद हो गया। तो मैं खा रही हूँ खरबूजा, बहुत ही मीठा है ये। तो मैं खा रही हूँ खरबूजा क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है ना। तो मेरे से ना तुरंत ही तो नहीं खाया जाता, थोड़ी देर के बाद खाना अच्छा लगता है। इनका फोन आया है कि पानी की बॉटल फेंक दो, पानी की बॉटल पता नहीं कहाँ है, पिंक वाली। तो पानी बॉटल नीचे और बड़ा करेगा भाई, सच में बहुत ही अच्छा बने थे। और अभी भाई मैं सच में मुझे कमेंट करना कि आपको कैसे लगे रेसिपी। तो लंच के खाली बर्तन में बड़े में हम क्लीन कर रहे हैं, क्या हम लोग बहुत एक अपना लंच किया है, तो हमने खाई थे। तो दे दिया पानी, ये है खरबूजा, चलिए खाते हैं। आप सब भी खा लीजिए मेरे साथ, बैठते हैं थोड़ी देर। मैंने बैठे बैठे पूरा खरबूजा खा लिया। मुझे अच्छा लगता है इस टाइप पे खाना, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब सो के उठने के बाद या फिर लंच करने के बाद गर्मियों में दोपहर में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। जब कुछ नहीं होता है ना तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है कि दही उठाओ, थोड़ी सी चीनी डालो और खा लो, है ना। और आपको पता है फर्स्ट मई आने वाला है, मतलब लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा है, लॉकडाउन सुन रहे हैं कि 3 मई तक जाएगा। और 1 मई को हमारी एनिवर्सरी है, जी हाँ एनिवर्सरी आने वाली है हम लोगों की। और देखते हैं जो भी कुछ होगा घर में ही सेलिब्रेट करेंगे छोटे मोटे तरीके से। तो चलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स को विश कर देती हूँ। तो सबसे पहले हैं किंजल जी, थैंक यू सो मच डियर, और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आप सभी को विश करने में, उसके लिए सॉरी, मुझे याद भूल गया था। और नेक्स्ट है नेहा हुसैन जी, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट प्रीति एंड ओम प्रकाश जी, इनकी एनिवर्सरी 27 अप्रैल को है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड नेक्स्ट है पूजा चौधरी जी, इनकी एनिवर्सरी थी 21 अप्रैल को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड नेक्स्ट है नेहा झा, इनका बर्थडे है 25 अप्रैल को, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। तो बस अब मैं जा रही हूँ बर्तन बर्तन क्लीन करूँ, और उसके बाद ये मैच खेल के आएंगे तो फिर चाय वगैरह बनानी पड़ेगी मुझे, और दूध शायद थोड़ा सा ही बचा है फ्रिज में, इनको बोलूँगी दूध लेके आए। और डिनर तो अब मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, करेले रखे हैं, रायता भी बचा है थोड़ा सा, लेकिन हमको शायद ही है भूख लगेगी रात को, और लगेगी तो फिर देखेंगे कुछ बनाएंगे जो भी कुछ खाना होगा। तो चलिए फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं ना घर में, परेशान हो जाते हैं, जब देखो तब देखो काम ही काम रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर पहले अपना वीडियो जो है वो एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद उठ के फिर मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, जिससे क्या है मतलब अभी मेरे पास है 10 to 15 मिनट, मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर उठ करके अपना काम करूँगी किचन का। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ मुझे इस डब्बे की ज़रूरत थी क्योंकि जो मैंने बड़ी बनाई थी वो मुझे इसमें भरनी थी, तो इसमें थोड़ा सा दलिया रखा हुआ था उसे मैंने छोटे डब्बे में कर दिया, और थोड़ा सा बचा था तो उसको मैंने कटोरी में करके रख दिया है, बना के ख़त्म कर दूंगी। तो इस डब्बे को पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तन भी मुझे क्लीन करने हैं, उसके बाद फिर बड़ी को भी मैं भर के रख दूंगी। Thank you.
सो गाइस ये है चाय और बहुत थोड़ी सी बनाई है मैंने, मतलब मेरे लिए बची है ये चाय, ये पी चुके हैं। मैं बात करने लग गई थी मम्मी से तो बस मेरी चाय ठंडी हो गई थी, मैंने अभी जस्ट गर्म किया है। और ये है मठरी जो कि मैंने कल बनाई थी लाइव आकर के, तो इसके साथ में चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है अदरक वाली। तो अदरक अभी मैंने बंद नहीं किया है, अदरक हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं। अदरक वाली चाय मुझे पसंद है, बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए चाय पीते हैं, साथ में मठरी है, लाइट्स ऑन करती हूँ। ठीक है, तो चलिए चाय पीते हैं, आप सब भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। तो अभी मैंने इनको बोला था दूध लाने के लिए, तो ये दूध लेके आए हैं। नीचे हमारे अपार्टमेंट में ही एक शॉप है, वहीं से दूध लेके आए हैं। और सबसे पहले दूध जैसे ही आता है सबसे पहले मैं उनको अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो जो हैंड वॉश था वो मैंने हाथों में लिया और उसी से मैंने अच्छे से सारे पैकेट को धोया है, और उसके बाद ही मैं दूध ट्रांसफ़र करती हूँ बर्तन में। तो ये अच्छे से धुल चुके हैं, उसके बाद पोंछ भी लूँगी। सो गाइस ये बड़ी ना सूख चुकी है और इनकी सब्जी ना मैं कल बनाऊंगी। अब मैं इनको डब्बे में भर के रख देती हूँ, 3 दिन मैंने इनको अच्छे से धूप लगा ली है और दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अभी हम लोग एक साथ में दूध मंगा लेते हैं, मतलब ज्यादा सा दूध ले आते कि बार बार ना मंगाना पड़े इसलिए। तो ये डब्बे में दलिया था, तो दलिया थोड़ा सा बचा था तो मैंने उसको छोटे डब्बे में कर दिया, और इस बड़े डब्बे में मैं रख देती हूँ इनको बड़ियों को। गाइस ये देखो मैंने 2 छोटी बनाई है अपनी, और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि दिन भर से मतलब शॉर्टिंग होने लगी है ना, अब तो गर्मी भी पड़ने लगी है। मैंने थोड़े से कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, और बहुत ज़्यादा कमेंट आता था मेरे पास, दीदी कभी 2 छोटी बनाओ 2 छोटी बनाओ। आज मुझे अपनी स्कूल कॉलेज की याद आ गई, बचपन की याद आ गई सच में यार। तो ये देखो मैंने 2 छोटी बना ली हैं, और बस ऐसे ही बना पाती हूँ मैं वो वाली, क्योंकि जो आप बोलोगे कि दीदी इस तरह से भूत के बनाओ तो उस तरह से ना बहुत पतली हो जाएगी मेरी छोटी। तो हम लोग खेलने जा रहे हैं लूडो। लूडो किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है लूडो खेलना, है ना? आज हम दोनों मिलके खेलेंगे, बहुत दिन के बाद खेल रहे हैं लूडो, है ना? ये देखो रात के बज रहे हैं 11 o'clock, तो हम लोग ये ले आए हैं लूडो। ये देखिए लूडो, आगे निकल रही है, मुझे रुक जाओ जादू करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? ये कौन सा टोटका कर रहे हो? ये क्या है? टोना कर रहा हूँ टोना। अब तुम हारोगी नहीं, देखो 6 आया। ये होता है जादू का कमाल, 6 जादू करके खेलोगे आप? हाँ वो वाला। चलो देखो इन्होंने मुझ पे टोना कर दिया है, जादू टोना, इससे अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी क्योंकि देखते हैं। गया, मेरा हुआ नहीं। देखते हैं क्या होता है आपके जादू टोने से। देखो जादू टोने से ही होता है, देखो ये गई और ये देखो ये आया था। सो गाइस ये देखो ये जादू टोना किया था इन्होंने मुझ पे, और ये देखो मेरी सारी अंदर है, ये अभी तक बाहर है, इनका लास्ट। चलो जल्दी फटाफट से, हार गए, फर्स्ट मैं हूँ और ये हार गए हैं।
इसलिए कहते हैं कितना भी जादू टोना कर लो लेकिन जीतने वाले को कोई नहीं हरा सकता। मैं जीत गई, आई एम विनर। ओके कांग्रेचुलेशंस। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नया आए हैं इंडियन यूट्यूब और शोलांजलि पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी दो चोटी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में भी दो चोटी बनाऊंगी अगर आपको पसंद आएगी तो। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू टू ऑल। तो मुझे तो दूध पीना पसंद नहीं है लेकिन ये डेली एक गिलास दूध पीते हैं रात को सोने से पहले। तो मैंने यहाँ पे दूध दिया, उसमें चीनी डाली है और थोड़े से काजू बादाम डाल रही हूँ काट के। और बस इनके लिए दूध मैंने रेडी कर दिया है, चने भी मैंने भिगोने के लिए डाल दिए हैं और बस लाइट्स वगैरह ऑफ़ करेंगे और जाएंगे सोने के लिए। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।